हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टार किचन में। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोग भूल जाते हैं। तो बस चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आम का अचार किस तरीके से बनाएंगे, एकदम बिना धूप के इंस्टेंट तरीके से बना के आज दिखाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अचार बनाना। सबसे पहले हमने ले ली है 2 टेबल स्पून मेथी, पीली सरसों और काली सरसों। अगर आपके पास एक ही सरसों है, पीली या काली, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। और ये ले ली हमने सौंफ, 2 टेबल स्पून सारी चीज़ें ली हुई हैं। जीरा 1 टेबल स्पून लिया है और ये 1 टेबल स्पून छोटी चम्मच से काली मिर्च। इन सबको लो फ्लेम पर बढ़िया से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट लगभग इसमें भूनने में टाइम लगेगा। बस मीडियम फ्लेम पे हमने बढ़िया से भून लेंगे, जिससे इनका मॉइस्चर जो भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब नमी होती है तो अचार ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए जब भी अचार डालें उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, ना आम में होनी चाहिए जो आम का अचार या किसी भी चीज़ का अचार डाल रहे हैं, ना मसालों में। इससे इनमें नमी नहीं होगी तो हमारा अचार लंबे समय तक परफेक्ट बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो बस इसी तरीके से हम बढ़िया से भून लेंगे। देखिए भून चुका है, गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ़। देखिए बढ़िया से भून चुका है हमारा, तो गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ़ और इसको डालेंगे मिक्सी जार में। बढ़िया से इसको दरदरा, हल्का बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखेंगे, इसको पीस लेंगे। तो देखिए हमने पीस के बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा मसाला, देखिए एकदम बढ़िया से पीस चुका है। चलिए तो अब हम लेंगे आम। तो हमने आम पहले से ही काट के हल्दी नमक मिला के इनको रख दिया था ओवरनाइट के लिए, यानी कि रात में पंखे में, क्योंकि आजकल धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो हमने इनको रात में पंखे में ही रख के मॉर्निंग में इसका अचार तैयार किया है। तो हमने इसे रात भर के लिए काट के और नमक और हल्दी मिक्स करके इसको रख दिया था। तो अब हमने जो मसाला तैयार किया है उसको ऐड कर देंगे इसमें। हल्दी इसमें ऑलरेडी डली हुई है तो हम हल्दी ऐड नहीं करेंगे, और जो मसाला हमने डाला है पीसा था वही इसमें ऐड कर देंगे। कई बार क्या होता है कि धूप ना हो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं अचार। और इसमें डाल दिया हमने काली कलौंजी, जिसको कलौंजी बोलते हैं, अचार में डलती है उसको, 1 टेबल स्पून छोटी चम्मच से। और अब ऐड करेंगे इसमें नमक, हमने नमक लगभग 3 से 4 बड़ा चम्मच ऐड किया है इसमें। नमक कम नहीं रहना चाहिए अचार में, हमेशा ज़्यादा ही रहे, इससे हमारा नमक ख़राब नहीं होता है। नमक हमेशा ज़्यादा है रहना चाहिए, क्योंकि नमक अगर कम हो तो अचार जल्दी से ख़राब हो जाता है। देखिए तो हमने इतना सारा नमक डाल दिया है, 4 बड़ा चम्मच लगभग नमक ऐड किया, यानी कि 2 कटोरी नमक छोटी कटोरी से। तो अब इसको कर देंगे बढ़िया से मिक्स। नमक हमने इसमें ऐड कर दिया और अब ऐड करेंगे, हमने हल्का सा गुनगुना, पहले अच्छा गरम तेल कर लिया था, हल्का सा गुनगुना हो चुका है हमारा तेल ठंडा। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम तेल। हमने ये सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो और भी तेल ले, वैसे सरसों का ही तेल बहुत ही परफेक्ट माना जाता है अचार के लिए। तो जब भी अचार बनाएं तो आप सरसों का तेल ही ऐड करें। तो हमने इसको गर्म कर लिया था क्योंकि इसमें हल्की सी स्मेल आती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो चुकी है, हल्का सा गुनगुना बचा है। तो उसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। तो लगभग हमने 2-3 चम्मच लगभग इसमें ऐड किया है हल्का सा गुनगुना ऑयल, क्योंकि जितनी भी और नमी होगी वो भी गर्म ऑयल से ख़त्म हो जाएगी। तो बस बढ़िया से इसको कर देंगे मिक्स अचार को। इस तरीके से आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। एक दिन पहले इनको कट करके रख दीजिए और आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए, उस मॉर्निंग में इसका अचार रख दीजिए। तो देखिए कितना परफेक्ट हमारा, इसमें जो भी पानी था सब निकल चुका था, जिस तरीके से हमने बनाया है। इसमें नमक और हल्दी मिला के पहले ही
रख दिया था। अगर धूप हो तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, 1-2 घंटे के लिए आप धूप में छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया इसमें नमी जो भी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप इस तरीके से भी अचार बना सकते हैं। तो देखिए एकदम परफेक्ट हमारा मसाला भर चुका है उनमें और बढ़िया से हमारा अचार बन चुका है। और अगर आप इस तरीके से अचार डालना चाहते हैं तो कभी भी इस तरीके से डाल सकते हैं। तो आज हम इसको अचार को इसी तरीके से छोड़ देंगे 2-3 घंटे के लिए, इसके बाद इसको भर के रखेंगे। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।